नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, समाज का विकास व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देता है। जब व्यक्ति समाज के साथ जुड़ता है, तब व्यक्ति और समाज के विकास की नई परिभाषा बन जाती है। आज ऐसे ही समाज सेवी व्यक्ति से हम मिलते हैं जिनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है, त्रिलोक जी गांधी से। नमस्कार त्रिलोक जी, आपका टीवी राजस्थान में स्वागत है। आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान में गांव घेवड़ा, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आप सूरत कब आए? मेरे को सूरत आए करीबन 40 साल हो गए। आपको सूरत आने के बाद यहाँ पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सूरत आने के बाद ऐसे विशेष कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे अंकल वगैरह पहले से यहाँ रहते थे, तो काफ़ी पुराने हैं हम लोग यहाँ पे। आपकी फैमिली में आपके साथ कौन कौन रहता है? मेरी फैमिली में मेरा लड़का, उसकी मिसेज, मेरी वाइफ, मेरा पोता। आप यहाँ पे किन किन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ पे काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर फोर्स्टा टेक्सटाइल मार्केट की शाखा है, मतलब सूरत टेक्सटाइल जितनी भी मार्केट है उनकी शाखा है, और NTM मार्केट, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, माय श्री भवन सूरत सिटी लाइट, माय श्री सेवा सदन पर्वत पाटिया, माय श्री स्कूल डूमस रोड, माय श्री स्कूल लाडवी सूरत, रामदेवरा मैं एक धर्मशाला निर्माणाधीन हूँ, उसमें मैं ट्रस्टी हूँ। मतलब काफ़ी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ मैं। आप पर्वत पाटिया पे हाल ही में वो माहेश्वरी सेवा संस्थान बना रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आपने उसकी नींव कैसे रखी, कब तक उसका कार्य होगा? ये माहेश्वरी भवन की जगह हमने करीबन 12 साल 13 साल पहले ये ज़मीन ली थी, और अभी इसका नक्शा वगैरह सब पास हो गया है और हम बनाने जा रहे हैं। जस्ट दशहरा तक ये शुरू हो जाएगी, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। 1,00,000 स्क्वायर फीट का बांध काम है, 2 बड़े हॉल है 66x126 के, और 46 रूम है। रूम की साइज भी बड़ी है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब एकदम आधुनिक टाइप का भवन बनेगा। इस भवन की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि माहेश्वरी समाज के यहाँ करीबन 7-8 हज़ार परिवार रहते हैं, तो एक ही भवन है माहेश्वरी भवन, तो उसमें तो किसी का नंबर लगता ही नहीं है, तो इसलिए हमने ये ज़मीन पहले की ली हुई थी। तो ये भवन शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएगा, और उसमें हमारी फैमिली का विशेष योगदान भी है। जब ये ज़मीन ली थी तब भी करीबन हमने 40-50 लाख रुपये 12 साल पहले ये ज़मीन में हमारे योगदान था, और इसके बाद अभी भी हमने, हमारी फैमिली ने और माहेश्वरी समाज ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो ये भवन जल्दी से जल्दी बन जाएगा। लाडवी स्कूल में आप अपना मतलब योगदान करते हैं वहाँ पे, तो आप उसके बारे में बताइए। लाडी स्कूल में यहाँ एक माहेश्वरी स्कूल है, ऐसे तो जनरल ट्रस्ट है, तो ऐसा नहीं एक माहेश्वरी में उसका नंबर आता, हर एक का नंबर आएगा उसमें, लेकिन वो फ्री डोनेशन वाली स्कूल है और कम से कम फीस से चलती है, तो हर एक को बहुत सुविधा जनक है। माहेश्वरी 40-50% उसमें माहेश्वरी को लेते हैं, बाकी अदर कास्ट को। तो एक स्कूल यहाँ है, तो एक स्कूल में से माहेश्वरी के घर इतने हो गए तो उनका नंबर नहीं आता है, इसलिए माहेश्वरी स्कूल में वहाँ भी लगभग 1.5 साल पहले ही ज़मीन ली थी, 15-20 हज़ार बार ज़मीन ली थी, और अच्छी स्कूल बनने जा रही है, वो निर्माणाधीन में चल रही है, अगले साल से तैयार हो जाएगी। आप इतने सालों से यहाँ सूरत में रह रहे हैं, तो आपको कभी राजस्थान की याद नहीं आती? बचपन की कोई भी याद आपको सताती हो जिससे आप राजस्थान जाते हैं? नहीं, राजस्थान की तो याद आती है, क्योंकि वहाँ बचपन गुजरा है और पूरी फैमिली वहाँ से ही आई है, और हम राजस्थान जाते आते ही रहते हैं, साल में 3-4 बार राजस्थान जाते हैं, गांव जाते हैं। और फिर अभी क्या है, जोधपुर वगैरह राजस्थान से इतना टचिंग है यहाँ, तो लगभग हमारा तो पूरा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर, ये सब इधर ही रहते हैं, आना जाना चलू ही रहता है। और फिर हम तो यहाँ इतने घुल मिल गए कि हमको तो यहाँ भी हमारा राजस्थान ही लगता है। जोधपुर इतनी बड़ी सिटी है, सूर्य नगरी के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में बताइए।
जोधपुर बहुत अच्छी सिटी है, राजस्थान की सेकंड नंबर की सिटी है, और अभी तो जोधपुर का बहुत अच्छा विकास भी हुआ है। तो हमारे भी कई रिश्तेदार वगैरह जोधपुर में रहते भी है, और राजस्थान में तो जोधपुर सबसे अच्छी है। आपका इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आप अपने फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं? उसमें क्या है कि फैमिली को भी टाइम देते हैं, और जो सिस्टम से काम चलता है तो वो सब चलता है। मेरे पास करीबन 30-40 आदमी जो काम करते हैं, उसमें मेरा एक बड़ी सिस्टर का लड़का भानेज है, एक सिस्टर की लड़की का भांजी जवाई है, मेरा लड़का है, ये लोग हैंडल करते हैं। और पुराना बिजनेस है तो आराम से, मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, आप इसका शेयर किसको देना चाहते हैं? इसका शेयर तो ऐसे हम शेयर सूरत को ही देना चाहते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट है, और यहाँ जो भी, मैंने नहीं, हजारों परिवार यहाँ जो आए हैं, लगभग सबने ही कामयाबी हासिल की है। और बाकी हमारी मेहनत, वैसे भी राजस्थानी लोग मेहनती तो होते ही है, और फिर हम गांव से भी आया तो हमारा वहाँ भी बिजनेस ही था, तो बिजनेस माइंड का काम कर ही जाता है। आप आज की नव युवक पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम नव पीढ़ी को ये है भाई, आप जो भी मतलब तरक्की करो, उसमें समाज की भागीदारी जरूर रखो, समाज सेवा में जरूर लगो, देश सेवा में लगो, जो भी काम करो, बिजनेस करो, सर्विस करो, पढ़ाई करो, मतलब देश सेवा का काम जरूर करो। आज के इस आधुनिक युग में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम तो कम पढ़ लिख के आए हैं, फिर भी हमने हमारी मेहनत से ये तरक्की की है। लेकिन युवा पीढ़ी को ये संदेश है कि आप मेहनत करके तरक्की भी करो, और साथ में समाज सेवा का काम भी ज़रूर करो। धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।